हेलो दोस्तों और गाइज, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जो कि दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे व्लॉग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से एक पार्सल वापस से मंगवाया हुआ है दोस्तों, और मैं आपको इसको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूं। जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर शिपिंग जो कि एड्रेस लगा हुआ है। जो भी दोस्तों, जो भी जिसके नाम से पार्सल मंगवाता है उसके नाम से यहाँ पर एड्रेस फिलिंग होता है, और यहाँ पर आप QR कोड भी दिया हुआ है। जब भी पार्सल आता है तब आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं इसका। और दोस्तों आप यह देख सकते हैं यह कहीं पर से भी फटा हुआ नहीं है, और इसका अभी मैं अनबॉक्सिंग करके और आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या निकलने वाला है। उससे पहले, आप हमारे व्लॉग चैनल पर नए हैं तो आप हमारे व्लॉग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अब इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों अब हम इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से इसके टैप चिपका हुआ है, पूरी तरह से पैकेजिंग है। और दोस्तों हम लेकर आए हुए हैं चक्कू, और इस चक्कू की सहायता से इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या निकलने वाला है, और उसका जानकारी भी हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट निकला है। तो दोस्तों अब हम इस चक्कू की सहायता से इसके टेप को काट लेते हैं दोस्तों। तो आपको इस तरीके से टेप निकालना है दोस्तों, जो कि दोस्तों आपको इस तरीके से टेप काटना है, जो कि आप देख सकते हैं इधर हम भी टेप काट रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं इधर चक्कू की सहायता से जो कि टेप काटा जा रहा है। और हम आपको बताने वाले हैं इसके अंदर अनबॉक्सिंग करके, जो कि दोस्तों हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया हुआ है, और इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि इसके अंदर क्या निकलने वाला है, क्या है दोस्तों इसके अंदर। जो कि दोस्तों अब हमारा बॉक्स ओपन हो गया है, टैप जो कि कट चुका है चक्कू की सहायता से, और अब हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं दोस्तों। जो कि आप इधर देख सकते हैं जो कि दो डिब्बे निकले हैं इसके अंदर बॉक्स, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से निकले हैं दोस्तों। जो कि हमने क्या मंगवाया हुआ है अभी हम आपको इसकी जानकारी देने वाले हैं, और इस गत्ते को डाल देते हैं नीचे। जो कि दोस्तों आप इधर देख सकते हैं हमारे हाथों में जो कि दो हैं, तो इसका दोस्तों यह है जो कि अपने खेतों में जो भी मिट्टी का जो भी उसका स्वास्थ्य है, मिट्टी का pH को किस प्रकार से चेक करते हैं, उसके लिए दोस्तों हमने यह मंगवाया हुआ है, जो कि सोयल pH के लिए, जो कि इसको आपके जो कि मिट्टी का मॉइस्चर भी बताता है, लाइट भी बताता है, और pH भी बताता है, जो कि यह तीनों काम करता है दोस्तों। आपका जो यह pH है तो इससे खेत की मिट्टी का pH नापा जाता है कि अपनी खेत की मिट्टी का pH कितना है, जिससे कि अपन पता लगा सकते हैं कि मिट्टी का pH अम्लीय है या क्षारीय है या नॉर्मल है। जब आपका मिट्टी का pH नॉर्मल रहता है तो आपका मिट्टी का pH में जो भी आप फसल उगाते हैं वह बहुत ही अच्छे तरीके से पैदावार आपको देखने को मिल जाता है। तो उसके लिए दोस्तों हमने यह मंगवाया हुआ है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा है कि यह किस तरीके से है, और अभी मैं आपको इसका एक बॉक्स अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ, इसके में से निकालने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं इसको भी इसमें से निकाल कर और आपको बार बताने वाला हूँ कि यह किस प्रकार से है। तो दोस्तों इधर मैं इसको निकाल लेता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों अभी मेरे हाथ में आ चुका है मिट्टी का pH को नापने वाला, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं 3 इंच का है यह, जो कि आप इसको यहाँ तक मिट्टी में नीचे गाड़ेंगे तब आपको मिट्टी का मॉइस्चर और लाइट और pH देखने को मिलेगा। जो कि दोस्तों यहाँ पर बटन है, चालू इधर करेंगे तो मॉइस्चर दिखेगा, और इधर करेंगे तो pH, और बीच में रहेगा तो लाइट का, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पर दोस्तों pH, VH, मॉइस्चर सभी लिखे हुए हैं कि यहाँ पर मिट्टी का pH के लिए दोस्तों यहाँ 8 तक लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। एक सुई जो कि काटा दिया हुआ है, जब भी आप मिट्टी में इस तरीके से लगाएंगे तो यह ऑटोमेटिक मिट्टी का pH बताना शुरू कर देगा, जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि मिट्टी का pH कितना रहने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को हमारा व्लॉग्स अच्छा लगा होगा, तो यह व्लॉग्स वीडियो को आप जल्दी से लाइक
और आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हम आप सभी के लिए बहुत ही जल्द नया व्लॉग्स लेकर आने वाले हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट व्लॉग में।